आखिर इस बार भी भारत का फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का सपना टूट गया है, और ये सपना टूटने का मुख्य कारण निहायती घटिया रेफरिंग करने के चलते हुआ। वहीं अगर भारत इस मैच को जीत जाता तो एक इतिहास रच देता, लेकिन कतर ने चिटिंग करके हमारे इतिहास रचने का सपना तोड़ दिया। वहीं ये चिटिंग करने का वाकया 11 जून को खेले गए फुटबॉल क्वालिफायर मैच के दौरान हुआ, जहां एक समय तो लग रहा था कि ब्लू आर्मी यानी भारतीय फुटबॉल टीम बड़ी आसानी से फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लेगी, क्योंकि भारत ने कतर के खिलाफ शुरुआत में 1-0 से बढ़त बना ली थी। वहीं इस एक गोल ने एक समय के लिए कतर की सांसें अटका दी थी, लेकिन इसी बीच रेफरी ने एक गलत व खराब निर्णय लेकर भारत के सपने को मिट्टी में मिला दिया। वहीं इस सरेआम चिटिंग व बेहद घटिया रेफरिंग ने पूरे फुटबॉल जगत में खलबली मचा दी है, जहां एक ओर भारत ने कतर पर 37वें मिनट में एक जोरदार गोल दागा और 1-0 से बढ़त बना ली। वहीं यह गोल लालियान जुआल चांगटे ने किया था। वहीं इतिहास को देखा जाए तो भारत फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 121वीं रैंक पर है, वहीं कतर 34वीं रैंक पर है। तो देखा जाए तो 37वें मिनट में ही इस मजबूत टीम पर गोल कर देना इतिहास रचने जैसा है। वहीं भारत अब 1-0 से लीड ले रहा था, लेकिन 73वें मिनट में कतर ने बड़ी ही शर्मनाक हरकत दिखाई और यह विवादास्पद गोल कर दिया, और फील्ड के रेफरी ने बिना कोई रिप्ले देखे इसे सीधे गोल करार दे दिया। वहीं आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही कतर का खिलाड़ी यूसुफ अयमन दूसरे छोर से गोल करने का प्रयास करता है तो भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत उस गोल को बचा लेते हैं और यह गेंद लाइन क्रॉस कर लेती है। आप आसानी से देख सकते हैं कि बॉल साफ साफ लाइन से क्रॉस हुई दिख रही है, लेकिन रेफरी इस पर सीटी नहीं बजाता, जो कि काफ़ी संदेहजनक है, और इसका फायदा उठाकर कतर के डिफेंडर ने क्रॉस लाइन से गेंद को अयमन की तरफ धकेल दिया, और इसे देखकर गुरप्रीत भी एक समय के लिए हक्के बक्के रह गए और वहीं रुक गए, और अयमन ने तुरंत ही मौके का फायदा उठाकर यह विवादास्पद गोल कर दिया। वहीं भारत ने इस विवादास्पद गोल का जमकर विरोध किया, लेकिन रेफरी ने एक ना सुनी और कतर को गोल दे दिया। वहीं इस तरह की घटिया रेफरिंग देखने को मिली। वहीं इस विवादास्पद गोल से सारे भारतीय प्लेयर्स पर गहरा असर पड़ा और यह असर मैच में भी दिखा, जहां 85वें मिनट में कतर ने एक और गोल करके पासा ही पलट दिया और मैच को अपने नाम कर लिया। वहीं इस चिटिंग और एक तरफा रेफरिंग व बेहद घटिया रेफरिंग वाले कॉन्ट्रोवर्शियल मैच को 2-1 से जीतकर कतर ने अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय टीम का इस बार भी फीफा 2026 क्वालिफाई करने का सपना टूट गया है।